मेष ज्योतिर्लिंग गोचर कुंडली के पांचवें भाव में चंद्रमा होना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। अपने काम काज ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी या जीवन साथी के साथ बातचीत और संबंधों में सुधार हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति से कार्य क्षेत्र में नई प्लानिंग बन सकती है। अपोजिट जेंडर में आपका ध्यान भटक सकता है। अट्रैक्शन बढ़ सकता है। लव प्रपोजल देने का भी मन बना सकते हैं। आपके सामने एक साथ बहुत सी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। व्यवहार और कार्यक्रमों को लचीला रखें। दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी भी तरह के नए ऑफर के लिए तैयार रहे। पहले ठीक से विचार कर ले। कहीं अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। नेगेटिव, कुछ खास कामों में आपसे गलती हो सकती है। काम में मन कम लगेगा। फालतू बातों में दिमाग भटक सकता है। गलतफहमी होने की भी संभावना ज्यादा है। आपका झूठ भी पकड़ा जा सकता है। क्या करें, कांटेदार पौधों की जड़ में थोड़ा सा दूध डालें। लव दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर से सहयोग और धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर, बिजनेस और नौकरी से जुड़ा रुका हुआ पैसा मिलेगा। अधिकारियों से भी संबंध अच्छे बनेंगे। स्टूडेंट्स को कम मेहनत में भी सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, आंखों में कोई छोटी परेशानी या इन्फेक्शन हो सकता है। सावधान रहे। जिन लोगों को चश्मा लगता है उनका नंबर भी बढ़ सकता है। वृषभ, परिस्थितियों में बदलाव महसूस होगा। चंद्रमा आपको सुख देगा। कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। लोगों के सामने आपकी अच्छी इमेज बनेगी। इसके लिए आप भी पूरी कोशिश करेंगे। आपकी रचनात्मकता दोस्तों को आपकी ओर खींच सकती है। अपनी बात आप ठीक से कह सकेंगे। आपका जीवन बहुत सहज और सामान्य रहे तो ही आपके लिए अच्छा है। आपको माता से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, पुराना तनाव या दबाव बढ़ सकता है। थकान भी हो सकती है। कामकाज, नौकरी के मामले में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो काम आपने सोच रखे हैं वो शुरू ना करें। जल्दबाजी या एक्साइटमेंट में काम ना करें। तुनक मिजाजी से बचें। रिस्क लेकर काम ना करें तो ही अच्छा है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सोचे हुए कुछ काम पूरे नहीं होंगे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। क्या करें, माता या माँ के समान किसी महिला को प्रणाम करें। लव लाइफ, जीवन साथी से अनबन हो सकती है लेकिन सब ठीक भी हो जाएगा। करियर, मानसिक संतुलन रखें। करियर और प्रोफेशन के लिए समय सामान्य है। स्टूडेंट्स, सावधान रहे। दौड़ भाग के साथ किसी बात की टेंशन भी हो सकती है। हेल्थ, मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। एलर्जी हो सकती है। सावधान रहे। मिथुन, पॉजिटिव, जो भी खरीदारी करनी है आप कर सकते हैं। समय का सही उपयोग करेंगे तो कोई बड़ा काम भी निपट सकता है। प्रेम और रोमांटिक संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है। परिवार की कोई अनबन या कठिन स्थिति खत्म करने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। पुरानी बातें भूलकर भविष्य की ओर देखें। आज आप स्थिति संभालने में सफल हो सकते हैं। किए गए कामों से सफलता मिल सकती है। दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिल सकती है। किसी खास काम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज आप कुछ नया भी करना चाहेंगे। प्रेमी से भी मुलाकात होने की संभावना है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नेगेटिव, किसी बात पर ज्यादा ही भावुक होकर रिएक्ट करने से आपकी गलत इमेज बन सकती है। कुछ बातों से आपको टेंशन भी ज्यादा होगी। सिरदर्द और थकान के कारण परेशान हो सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे करने में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। क्या करें, माता जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छा रखें। करियर, अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा हो सकता है लेकिन सफलता भी मिलेगी। हेल्थ, भोजन में सावधानी रखें वरना पेट की परेशानी हो सकती है। पॉजिटिव, काम का बोझ पहले से कुछ कम हो सकता है। आपके उत्साह से लोग खुश रहेंगे।
आपको धन लाभ भी हो सकता है। चंद्रमा आपकी राशि के लिए शुभ है। हर हालत में अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। आज की मेहनत आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी। दोस्तों से सहयोग भी मिलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आज मिल सकती है। सामाजिक मुलाकातों में आप सफल हो सकते हैं। आमदनी बढ़ सकती है। डेली रूटीन से धन लाभ और फायदा होगा। संतान की सफलता से खुशी मिलेगी। आपसे जुड़े लोग अपने कामों में सफल होंगे। नेगेटिव बिना प्लानिंग बनाए कोई काम शुरू करने की कोशिश ना करें। किस्मत और किसी खास इंसान के भरोसे काम शुरू करने की ना सोचें। आपको कुछ अजीब और अलग तरह के संकेत मिल सकते हैं। वाहन का उपयोग संभल कर करें। आपको ना चाहते हुए भी किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। कुछ कामों में मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाने से आपका मूड भी खराब हो सकता है। क्या करें, छोटी बच्ची को मिठाई खिलाएं? लव, आपके सहयोग से पार्टनर के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हेल्थ पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नींद की कमी से भी परेशान हो सकते हैं। सिंह पॉजिटिव, आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेगा। आप व्यस्त रहेंगे। ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बीतेगा। धन कमाने के कुछ अच्छे मौके आपको जल्दी ही मिल सकते हैं। उनके लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम आज समय से पूरे हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं। किसी दोस्त की मदद से कठिन स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। परेशानियां भी आज कम हो सकती है। पुराना चला आ रहा कोई कोर्ट केस भी निपट सकता है। आपको पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा। सोचे हुए काम शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है। नेगेटिव, गैर जरूरी खर्चों में थोड़ी कटौती करनी पड़ सकती है। किसी दोस्त के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। कागजी कार्यवाही या कुछ कागजों के चक्कर में आप उलझ भी सकते हैं। क्या करें, अपोजिट जेंडर वालों को सजावटी या सुगंधित वस्तु गिफ्ट करें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से बराबर सहयोग और प्यार मिलेगा। करियर मेहनत में दिन निकल सकता है। अधिकारी आप पर काम का प्रेशर भी बना सकते हैं। सावधानी से काम करें। स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। हेल्थ सेहत को लेकर सावधान रहें। आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। कन्या पॉजिटिव, पैसों के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा। शांत होकर व्यवहार करें। आपके अच्छे व्यवहार के कारण लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। जो आपकी मदद करे उसका एहसान जरूर माने। किसी काम को किस्मत के भरोसे ना छोड़ें। जो समस्याएं आएंगी वे आपको कुछ ना कुछ नया सबक देती जाएंगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने पहले ही बना रखा है तो उसमें बदलाव करने की स्थितियां बन सकती हैं। समाज और कार्यक्षेत्र में बड़े लोगों से सम्मान मिलेगा। किसी कठिन काम में मदद मिलेगी जिससे राहत महसूस होगी। दूर स्थानों से आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। जिम्मेदारियों को ठीक से निभा लेंगे। नेगेटिव, भावुक होकर कोई भी बड़ा फैसला करेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। फालतू कामों में उलझ कर समय खराब कर सकते हैं। खर्चा भी बढ़ सकता है। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मन में एक साथ कई काम रहेंगे, इस वजह से आप कुछ जरूरी काम भूल सकते हैं। क्या ना करें, सिगरेट ना पिए। लव, शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है, लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं रहेगा। करियर, नौकरी और बिजनेस के लिए दिन शुभ है। आर्थिक फायदा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को कम मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है। हेल्थ सेहत भी ठीक ठीक ही रहेगी, लेकिन पैर में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तुला पॉजिटिव, गोचर कुंडली के लाभ भाव में चंद्रमा होना आपके लिए शुभ है। आज जो अवसर मिलेंगे उनके लिए आपको सिर्फ धैर्य रखना होगा। समय के साथ अपने प्लान में बदलाव कर लेंगे तो फायदा होगा। अपनी योजना पर फिर से विचार करके काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे।
चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में होगा तो पैसों के लिहाज से आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। मेहनत और कोशिश करते रहे, थोड़ा बहुत विचार करके ही कोई फैसला करें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, बिजनेस और नौकरी में भी सफलता मिल सकती है, कामकाज भी बढ़ सकते हैं। नेगेटिव छिटपुट परेशानियों या असफलता से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, खुद को संभालने की कोशिश करें। आपको कुछ कामों में फालतू देरी भी हो सकती है, कुछ मामलों में आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है, इस कारण आप कुछ अच्छे मौके चूक सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी मामले को लेकर आप पर तुरंत कोई फैसला लेने का दबाव बना सकता है, अपने ही लोगों से विवाद होने की संभावना बन रही है। कुछ ग्रहों के कारण मेहनत भी ज्यादा हो सकती है और उसके हिसाब से नतीजे कम मिल पाएंगे। क्या करें, किसी भी मंदिर का प्रसाद खाएं, लव पार्टनर के साथ पूरा दिन मनोरंजन और घूमने में निकल सकता है, दिन भी अच्छा रहेगा। विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, करियर अचानक धन लाभ से बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती हैं, प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत होंगे, स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ तुला राशि वालों को पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, सावधान रहे। वृश्चिक राशि, किसी नजदीकी दोस्त से संबंधों में सुधार हो सकता है, आसपास के लोगों और उनकी जरूरतों पर ध्यान दें, परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। मन की बात साफ कहें, लेकिन दूसरे क्या कहते हैं इसे भी समझने की कोशिश करें, लोग आपसे अपने मन की बात कहने में ज्यादा उत्सुक रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोग ऑफिस में टीम भावना से काम करेंगे, परिवार के साथ समय बीतेगा, संतान से मदद मिल सकती है। चंद्रमा गोचर कुंडली के 10वें भाव में रहेगा तो आपको दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिलेगी, ऑफिस में भी साथ के लोग किसी काम में मदद कर सकते हैं। अपोजिट जेंडर भी आपके फेवर में हो सकता है, नेगेटिव यात्रा का कोई प्रोग्राम स्थगित हो सकता है, किसी तरह की देरी होने के भी योग बन रहे हैं, कोई अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। अपने दिल की बातें हर किसी से शेयर ना करें, हर किसी पर भरोसा करने से बचें, आपको किसी तरह का धोखा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में पूरी तरह किसी पर भरोसा ना करें, क्या ना करें, टूटी फूटी क्रॉकरी का उपयोग ना करें। लव लाइफ अच्छी है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, गिफ्ट मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करेंगे और इससे आपको संतुष्टि मिल सकती है। करियर प्रोफेशन के लिए दिन मिला जुला हो सकता है, धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को सफल होने के लिए ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें, कफ और पित्त के रोग हो सकते हैं, पुराने रोग में किसी दूसरे डॉक्टर से भी राय ले लें। धनु राशि, किसी दोस्त से समय पर मदद मिल सकती है, अपोजिट जेंडर वाले आपके फेवर में रहेंगे, आसपास और साथ काम करने वाले लोग भी आप पर भरोसा करेंगे, कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे। अविवाहित लोगों को विवाह का कोई प्रस्ताव अचानक मिल सकता है, प्रेमी या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई पुरानी वस्तु भी आप खरीद सकते हैं, घर परिवार रिश्तेदार और जमीन जायदाद के मामले आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी खुश मिजाजी से सब खुश रहेंगे। किस्मत के घर में चंद्रमा होने से बिजनेस करने वाले कुछ लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और फायदा भी होगा, लेखन और ग्लैमर में काम करने वालों को सफलता मिल सकती है, इनकम बढ़ेगी। नेगेटिव, सोचे हुए काम पूरे होने में रुकावटें आ सकती है, कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, कुछ मानसिक कामों में थकान महसूस हो सकती है, क्या करें, किसी लंगड़े या अपंग व्यक्ति की मदद करें। लव लाइफ से जुड़े कुछ जरूरी फैसले आप ले सकते हैं, करियर बिजनेस संबंधित नई योजनाएं बनाएंगे, ऑफिस में भी कुछ नए प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करेंगे, इससे आने वाले दिनों के लिए स्थितियां उनके फेवर में हो सकती है। हेल्थ, आज आप ज्यादा ही थकान महसूस कर सकते हैं। मकर राशि, कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है,
सैलरी सहित कुछ खास मामलों में अधिकारियों की मदद मिलेगी। कोई नई चीज सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी हो सकती है। जो भी सीखेंगे वह आने वाले दिनों के लिए कारगर साबित होगा। आपके फैसले भी सही रहेंगे। कई अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें, चौकन्ने रहें। अचानक जरूरी काम शुरू करने पड़ेंगे। नए और खास कामों की प्लानिंग हो सकती है। नेगेटिव काम काज में मन कम ही लगेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें घर में है, इसके कारण काम काज का पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। आपको सावधान रहना होगा, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। निर्माण कार्यों में भी खर्चा होने की भी संभावना बन रही है। काम काज में सावधानी रखनी होगी, वाहन से चोट लग सकती है। सावधान रहे, अपना व्हीकल दूसरों को देने से बचे, चोट भी लग सकती है। क्या करें, पानी की टंकी में पीला फूल डालें? लव लाइफ आप पार्टनर से जिस जवाब की आशा रख रहे हैं वो आपको जल्दी ही मिलेगा। अपने मन की आवाज सुनते रहे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। सोच समझ कर पैसा निवेश करें। कुछ स्टूडेंट्स को मेहनत के हिसाब से कम ही सफलता मिलेगी। हेल्थ पेट में समस्या बढ़ सकती है, सिर और बदन दर्द हो सकता है। कुंभ पॉजिटिव, जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत के हिसाब से नतीजे मिल सकते हैं। आप में ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नजदीकी रिश्तों पर ध्यान देना होगा। नए लोगों से दोस्ती होगी। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नए विचार पूरे दिन दिमाग में चलते रहेंगे। खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। चंद्रमा के कारण आपके बहुत से काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आपको सहयोग भी मिलेगा। लोगों का ध्यान आप पर रहेगा। आपके लिए यह अच्छा भी रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। विवाद निपटाने में भी बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, पैसों के मामले में कठिनाई की स्थिति बन सकती है। अनदेखी ना करें। हर व्यक्ति आपकी बातों से सहमत नहीं होगा, इसकी उम्मीद ही ना रखें। आज किसी से भी अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश ना करें। नजदीकी रिश्तों में भी कोई अनबन हो सकती है। क्या करें, खाने की तली हुई चीज किसी गरीब को खिलाएं? लव पार्टनर से तजीब और प्यार से पेश आए और पार्टनर भावनात्मक दबाव ना बनाए। करियर बिजनेस में पैसा रुक सकता है। सावधानी से निवेश करना होगा। आपका काम काज भी ज्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा कह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले भी आसानी से सफल हो सकते हैं। हेल्थ, मानसिक थकान और नींद की कमी रहेगी। मीन पॉजिटिव, अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। वेतन वृद्धि या प्रमोशन का इशारा मिल सकता है। किसी निवेश से भी फायदा हो जाएगा। नए ऑफर मिल सकते हैं। किसी लत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफल हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव करने के बारे में विचार कर सकते हैं। व्यवहार और अपनी उदारता से आप कुछ लोगों का दिल जीत लेंगे। बहुत से लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं, जिससे आपको सीधा फायदा भी होगा। रिश्तों और पैसों को लेकर आप ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। जमीन जायदाद के कामों में फायदा हो सकता है। नेगेटिव, बुजुर्ग या किसी अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण संबंधों में तनाव, विरोध या गलत फहमी होने की संभावना बन रही है। सावधान रहे, कुछ मामलों में मन मारकर समझौता करना पड़ सकता है। खर्चा भी ज्यादा रहेगा। इस राशि के लोग कोटक चहरी के कामों में उलझ सकते हैं। क्या करें, सफेद फूल नाली में फेंके। लव लाइफ, प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है। संबंधों में कोई नया प्रयोग ना करें। संयम रखें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करियर नौकरी पेशा लोग धैर्य से काम लें। ऑफिस में किसी से फालतू विवाद में ना उलझे तो ही अच्छा है। निवेश के लिए समय सामान्य है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, तबीयत अचानक खराब हो सकती है। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। घबराहट या कोई पुराना दर्द रहेगा।